भाई बैडास बनना चाहता है, तरीके बहुत हैं। ये भी बैडास है, ये भी बैडास है भाई, ये भी तो बैडास है। ये वाला बैडास तरीका मैंने मास्टर किया है। जानना चाहते हो कैसे? मैं बताता हूं। इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट ऑफ क्लीन शेविन। इसके दो रीजन है। सबसे पहले, जब तू शेव करता है, तेरी दाढ़ी के जो बाल हैं दे ग्रो आउट इवनली, जैसे तेरी दाढ़ी बहुत डेंस लगेगी। और सेकेंडली, अगर आगे जाके तेरी पैची बियर्ड होती है ना, तो तेरे माइंड में कोई डाउट नहीं रहेगा दैट दिस इज बिकॉज ऑफ नॉट शेविंग। देख, 2 हफ्ते शेव नहीं करेगा ना, तो यू विल गेट टू दिस स्टेज। इस स्टेज में यू जस्ट हैव टू एंजॉय योर लुक द मोस्ट, क्योंकि इसके बाद थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो जाएगा। और अबव ऑल ब्रो, मोस्ट गर्ल्स ऑल्सो लव द लुक। इट्स नॉट टू हेयरी, नॉट टू बॉयश। तो भाई इसमें क्या है कि नॉर्मल स्टबल से तेरी दाढ़ी थोड़ी हैवी हो जाएगी। किसी को 5 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, किसी को 7 से 8, ऑल डिपेंडिंग अपॉन हाउ फास्ट और स्लो इज योर हेयर ग्रोथ। इस फेज में ना योर बियर्ड विल लुक वाइल्ड। कोई बाल इधर से निकलेगा, कोई बाल उधर से निकलेगा। जस्ट कीप इन माइंड टू ट्रिम द फ्रिजी हेयर फ्रॉम द एजेस। और यहाँ पे तेरी दाढ़ी इच भी बहुत करेगी, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड पास दिस स्टेज। अप्लाइंग द उस्तरा बियर्ड सॉफ्टनर विल हेल्प यू अ लॉट। सॉफ्टनर तेरी दाढ़ी को स्मूथ कर देगा, जिससे तेरी सारी इरिटेशन चली जाएगी। अगेन भाई, यहाँ भी सेम सीन है, किसी को ज्यादा टाइम, किसी को कम। बट एसेंशियली व्हेन यू गेट टू अ फुल ग्रोन बियर्ड, यू हैव टू गिव इट शेप। उसको तेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, एंड अबव ऑल यू हैव टू स्टाइल इट प्रॉपरली। स्टार्ट यूजिंग द उस्तरा 4x4 बियर्ड ऑयल एट दिस स्टेज। इट गिव्स नरिशमेंट ऑफ 4 किकास ऑयल्स, जो तेरी बियर्ड की ग्रोथ को हेल्दी रखेगा एंड इट विल हेल्प यू इन स्टाइलिंग इट। अब तुझे डिसाइड करना है, डू यू वांट टू स्टिक टू द शॉर्टर बियर्ड स्टाइल या फिर यू वांट टू टेक योर बियर्ड टू द नेक्स्ट लेवल। भाई इतनी दाढ़ी उगा ही ली है, इतनी मेहनत कर ही चुका है, इट टोटली मेक सेंस फॉर यू टू ग्रो द बियर्ड इवन मोर एंड शो ऑफ टू पीपल। भाई अब तो हवा मारनी बनती है यार। भाई शो ऑफ तो बहुत हो गया, बैडास करना वो तेरे हाथ में है। टूल्स तेरे को पता है, टेक्निक भी तेरे को पता है। नाउ द गेम इज इन योर हैंड्स ब्रो।